कोई कहां है। पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमबीर सिंह लगातार फरार हैं और मुंबई पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि परमबीर सिंह कहां है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। कोर्ट ने पूछा कि अगर आप सोचते हैं कि विदेश में बैठकर आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे, कोर्ट आपका मनचाहा फैसला दे तो आप वापस लौटेंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यह तय नहीं है कि ऐसा होगा ही। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पूछा है कि परमबीर सिंह हैं कहां। साथ में कोर्ट ने कहा, आप अगर विदेश में बैठकर सुप्रीम कोर्ट को अगर आप अप्रोच करते हैं और ये सोचते हैं कि मनचाहा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए, ऐसा फैसला सुनाए जो आपके अनुकूल हो, तब आप वापस लौटेंगे, तो ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इससे पहले आपको बता दें, पहले ही मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से साफ मना कर दिया। इस याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट सीबीआई को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी ये मांग निचली अदालत में रख सकते हैं। अनिल देशमुख का आरोप है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बावजूद सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसी बात को लेकर पिटीशन दाखिल की गई थी कोर्ट में और कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। बड़ा झटका है ये पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली मामले में फिलहाल जेल में हैं और मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चेता रहे हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी होगी। नागपुर में एनसीपी की रैली में शरद पवार ने सीधे सीधे कहा कि अनिल देशमुख हर दिन हर मिनट जेल में गुजार रहे हैं और मैं बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा, ये शरद पवार ने कहा है। बीजेपी को इसकी कीमत हर हाल में चुकानी होगी। इस दौरान शरद पवार ने यह भी जरूर स्वीकार किया कि परमबीर सिंह जरूर उनके पास अनिल देशमुख की शिकायत करने आए थे, लेकिन अनिल देशमुख ने इसे गलत आरोप बताया था और खुद ही पद छोड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी, ये शरद पवार ने कहा है। कब सराई अनिल देशमुख ने तुम्हें आज तक प्रत्येक दिवसाची प्रत्येक तासाची ही किंमत ही आज उद्या वसूल झाल्याचं राहणार हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो। तो पवार की भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी, कानून व्यवस्था को लेकर धमकी दे रहे हैं शरद पवार। देशमुख को बचाने के लिए क्या इतना बड़ा नेता कुछ भी बोलेगा, सवाल यहां पर यह है। अनिल देशमुख के बचाव में है शरद पवार, एनसीपी के प्रमुख हैं और संजय राउत भी शरद पवार के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि शरद पवार जो कह रहे हैं कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, वो राजनीति को भी बखूबी समझते हैं और न्यायिक प्रक्रिया को भी समझते हैं, कानूनी प्रक्रिया को भी समझते हैं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ये संजय राउत ने भी कहा था, पवार की बीजेपी को कीमत चुकाने की धमकी दी है शरद पवार ने। शरद पवार से सवाल है, जब केस कोर्ट में है तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, वसूली केस को प्रभावित करना चाहते हैं शरद पवार, ये भी सवाल बड़ा है। इस बीच आपको बता दें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया। क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुनिए। आपने जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूं। एक देश के सबसे बड़े और अनुभवी नेता है, क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते, तो उन्हें मालूम है क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति ने यहाँ आरोप किया गृह मंत्री के ऊपर या और किसी के ऊपर, वो तो भाग गया, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर भी उसके आरोप कर राज्य के पूर्व गृह मंत्री जेल में है, ये किसी को चैलेंज नहीं होता है। अगर कोई सच बात है, अन्याय के खिलाफ बात उठा रहा, ये किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चैलेंज नहीं, लेकिन सच अगर पवार साहब ने कहा है, सत्य कहा है, तो लोग ये बात अब धीरे धीरे उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। और इस बयान पर बीजेपी के नेता राम कदम ने क्या पलटवार किया, सुनते हैं। राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी जांच पर तथा न्यायपालिका पर विश्वास जताते, पर खैर
वे आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष की राजनीति में उलझ रहे हैं। महाराज सरकार करके स्वयं जवाब देती कि उनके डीजी कहां है, जब महाराज की सरकार अपने एक डीजी जैसे औहदे के अफसर पर ध्यान नहीं रख सकती, वे कहां है यह नहीं बता सकती, तो क्या इस सरकार के हाथ में महाराज की 12 करोड़ जनता सुरक्षित है?